जय श्री राधे दोस्तों। देखिए आज हिबिस्कस में काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग हुई है और वाइट वाला तो पर डे काफ़ी खिल रहा है, बाकी रेड वाला कभी कभार ही खिलता है। तो आज जो आप लोगों के साथ मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि हम लोग ऐसे कौन से प्लांट लगाएं जो कि हार्डी भी हों, साथ में हम लोग अपने डेली यूज़ के लिए भी उनको लगा सकते हैं। कि जैसे पूजा में हमें ये प्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो डेली हमें चाहिए रहता है। हम हिंदुओं में, हिंदू धर्म के लोगों में डेली पर डे मॉर्निंग में पूजा होती है तो इन प्लांट की आवश्यकता होती है। इनके फूल पत्ती आप सब कुछ उपयोग में ला सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि कौन से ऐसे प्लांट लगाएँ जो हम लोग पूजा में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे प्लांट देखिए ये है हमारा दुर्वा का। सबसे पहला प्लांट है दुर्वा का। दुर्वा ये बहुत ही इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी रोड साइड से कहीं से भी कटिंग ला के लगा सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब मुझे कभी पूजा में चाहिए होती थी तो ये मिलती नहीं थी। तो एक बार मुझे माली भैया ने दी, जो माली लोग पूजा की पुड़िया लेके आते हैं उन्हीं से मैंने ली और इसको मिट्टी में लगाया तो ये अच्छे से सर्वाइव कर गई। ये काफ़ी लंबी हो जाती है और पूरा भर जाता है। छोटी सी बॉटल में देखिए मैंने लगा रखा है। ये हमारे यहाँ सकट की पूजा होती है उसमें भी चढ़ती है। कहते हैं कि शंकर गणेश जी की, गणेश जी को भी दुर्वा चढ़ती है। मैं इसको हर बार प्रून कर देती हूँ और मौसम अच्छा होता है तो ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। देखिए कितनी छोटी बोतल में मैंने इसको लगा के रखा है। तो सबसे पहला प्लांट है हमारा दुर्वा का। आप दुर्वा को अपने घर में ज़रूर लगाइए क्योंकि दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप इनको चढ़ा सकते हैं, 5-7 दुर्वा की पत्तियाँ लेके उनमें गांठ लगा के उनको गणेश भगवान को चढ़ती है। सेकंड प्लांट हमारा ये है बेलपत्र का पौधा, जो कि काफ़ी पूजनीय पौधा माना जाता है। कहते हैं इसको घर में लगाना अच्छा होता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसको सावन में लगाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आप इसको सावन में ही लगाएं, चाहे जब आप इसको लगा सकते हैं। कहते हैं कि बेलपत्र का पौधा लगाएं और इसको लगाएं और इसके पास दीपक भी जलाएं। आप इसको छोटे लगभग 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और जैसे जैसे ये हाइट लेता जाए आप इसको पॉट बढ़ा देते जाएं। आप इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर से प्रूनिंग करेंगे तो ये प्लांट जो है बॉन्साई के रूप में बन जाएगा। तो सेकेंड प्लांट हमारा है ये बेलपत्र का। तो इसको भी आप अपने घर में प्रोपोगेट कर सकते हैं, ईजिली ये पॉट में चल जाता है। और इसकी पत्तियां शिव जी को चढ़ती हैं। तीसरा प्लांट है हमारा तुलसी जी का प्लांट, जो कि हर घर में लगा ही होता है। ऐसा ही कोई हो जिसके घर में तुलसी का पौधा ना हो। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये पूजा के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी का पौधा लोग अपने घरों में लगाते हैं, दिया जलाते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ये बहुत ही पूजनीय पौधा है। इसको कभी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। एकादशी और संडे को कहते हैं तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए। तो थोड़ी सी इसकी केयर कर लें आप, तुलसी जी आपके पास हमेशा रहेंगी। और इनको आपको विंटर में थोड़ा सा फॉग से बचाना रहता है, बाकी ये बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। उसके बाद हमारा प्लांट है समी का। ये देखिए काफ़ी इसने हाइट ली है, काफ़ी बड़ा मेरा प्लांट है, लगभग 3 साल का प्लांट हो गया है। लेकिन इसमें ब्लूमिंग जो हुई है, फ्लावरिंग जो हुई है वो पहली बार हुई है। इसमें आज से पहले कभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। और इसकी एक एक पत्ती शिव जी को चढ़ती है। कहते हैं एक पत्ती चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप पर डे मंदिर में शिव जी पे एक पत्ती इसकी चढ़ा सकते हैं। कई लोग भ्रमित करते हैं, बोलते हैं कि इस प्लांट को घर में नहीं लगाना चाहिए। तो आप ऐसा डाउट मन में बिल्कुल भी ना लाएं कि समी का पौधा घर में नहीं लगाया जाता है। समी का पौधा बिल्कुल घर में लगाया जाता है। आप इसको लगाएं, यहाँ तक लोग कहते हैं कि इसमें कांटे होते हैं, आप घर में ना लगाएं तो क्यों, गुलाब में भी कांटे होते हैं, हम लोग गुलाब को भी तो लगाते हैं। तो आप समी का पौधा जरूर घर में लगाएं। कई बार मुझसे भी लोगों ने बोला समी का प्लांट हटा दीजिए, लेकिन मैंने नहीं हटाया क्योंकि इसके कोई ऐसी निगेटिविटी नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव वाइब ही आती है। एक पत्ती आप शिव जी को चढ़ाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप और इसकी दिशा का विशेष ध्यान रखें। प्लांट आप जब भी लगाएं तो किसी से राय ले लें कि इस प्लांट को किस दिशा में लगाना है। सही दिशा का चयन करके अपने प्लांट को लगाएं। कोई भी
दिक्कत नहीं होगी। सेमी का पौधा भी आप पॉट में लगा सकते हैं। मैंने लगभग इसको 20 से 22 इंच के पॉट में लगाया है, तो आप सेमी का पौधा भी घर में बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं लगाना चाहिए, कांटे होते हैं या जो भी, किसी की बातों में ना आके आप सेमी का पौधा अपने घर में ज़रूर से ज़रूर लगाएं। ये मैंने आप लोगों को ऐसे पौधे बताए हैं जो कि भगवान शिव जी, पार्वती जी सबको बहुत ही प्रिय हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, अगर सबका वीडियो मैंने बनाया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ ही पौधे आप लोगों को ऐसे बताए हैं जो कि आप लोग अपने घर में इजीली कम देखरेख में लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। इसमें कई कलर आते हैं और कई कलर मेरे पास हैं, लगभग 7 पौधे मेरे पास हैं। मैंने कुछ कटिंग से भी तैयार किए हैं। इसका जो ब्लू वाला होता है अपराजिता, वो बहुत ही लकी माना जाता है और उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। ब्लड शुगर उसका सही रहता है कहते हैं। इसकी अपराजिता टी भी पी जाती है और इसका फ्लावर शिव जी को भी चढ़ता है, माता रानी को भी चढ़ता है। तो आप अपराजिता को इजीली अपने घर में लगा सकते हैं और ये भी कम देखरेख में चलने वाला है। बस इसकी मिट्टी को आप मस्त रखें तो ये प्लांट आपके पास अच्छे से चलता रहेगा। ये विंटर में बिल्कुल छोटी सी एक डंडी मेरे पास बची थी, मुझे लगा मेरा प्लांट ख़राब हो गया है, तो विंटर में डोरमेंसी में जाता है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इसका मौसम आएगा ये प्लांट अपने आप सर्वाइव कर जाएगा। बहुत छोटी सी डंडी इसकी बची थी मेरे पास और ये प्लांट आप देख सकते हैं कितना घना, कितना पुसी हो गया। सिर्फ एकमात्र छोटी सी टहनी मेरे पास बची थी और मैंने इसको मिट्टी से नहीं निकाला था, तो ये प्लांट मेरे पास अच्छे से चल रहा है और काफ़ी भूसी हो चुका है प्लांट और बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। ये काफ़ी हैवी ब्लूमिंग करता है, बस इतनी सी डंडी मेरे पास बची थी इसकी। और फिर ये ब्रेक लेता है ब्लूमिंग के बाद, फिर ये एक सप्ताह का 8-10 दिन का ब्रेक लेने के बाद फिर से ये अच्छे से ब्लूमिंग करता है। आप देख पा रहे होंगे मेरे प्लांट पे छोटी छोटी कलियाँ भी बनने लगी हैं। अब ये फिर से ब्लूमिंग पे आएगा और इसमें फली भी बनती है, फली को आप निकालते रहें वरना इसमें ब्लूमिंग नहीं होगी। देखिए ये स्काई ब्लू है, ये वाला मेरा वाइट है और ये वाला मेरा पिंक है। पिंक वाला मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके सीड्स रेडी कर रही हूँ। कुछ सीड्स मुझसे किसी ने मांगे हैं, मैं उन्हें भी दूंगी। और ये वाला जो मेरा है अपराजिता, ये डबल पेटल अपराजिता है, तो ये ब्लूमिंग करते हैं। काफ़ी हैवी ब्लूमिंग करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर ये ब्लूमिंग करते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं कि मेरे प्लांट में ब्लूमिंग नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके बाद आता है ये हमारा कनेर का पौधा, ये भी काफ़ी अच्छा पौधा माना जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये शिव जी पे चढ़ते हैं और देखिए ये इसका सीड पॉट बन रहा है। 2-3 सीड पॉट मैंने छोड़े हैं, सीड पॉट से भी कनेर बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। मेरे पास इसके 2 पौधे हैं पीले वाले कनेर के, मुझे नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगाना है तो सीड से ही तैयार करके मैं पौधा लगाऊंगी। और ये भी बहुत हार्डी पौधा है, आप इसको पानी दें या ना दें ये बहुत ही हार्डी पौधा है, अच्छे से चलता रहता है। पानी आप 10 से 12 दिन में पानी देंगे फिर भी चलेगा, काफ़ी हार्डी पौधा है। और इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसके कई कलर आते हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मेरे पास कई कलर हैं, मैं इसमें अभी और अपने गार्डन में ऐड करूँगी। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन के साथ प्रेस करिएगा जिससे सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। मुझे गार्डनिंग के बारे में बहुत तो नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो कुछ है मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि मेरे प्लांट अच्छे से नहीं चल रहे हैं, घर में कौन से प्लांट लगाने चाहिए कौन से नहीं लगाने चाहिए। इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आप लोगों के साथ आई हूँ। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर से वही एक बात कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन के साथ प्रेस करिएगा जिससे जितनी भी मैं वीडियो डालूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा। तो देखिए कितना इस समय मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए प्लांट की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। मई जून में थोड़ा प्लांट ख़राब होते हैं, उसके बाद फिर ये नवम्बर लास्ट और दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा प्लांट ख़राब रहते हैं, डोरमेंसी में जाते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।